नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म की कहानी, जो कि अध्याय नंबर 8 है। कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपा करके अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। माता भगवती की कृपा आप सभी के घर में निरंतर ही बनी रहे। राजा के पूछने पे पूरा वृत्तांत 6 और 7वें अध्याय में कार्तिक स्नान के नियमों के बारे में हमने जाना। 8वें अध्याय में नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षिप्त में ज्ञापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को उद्यापन करे, तुलसी के ऊपर चारों तरफ से मंडप बनावे और तोरण से सजावे, फूलों को बांधे, चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पूर्ण सील सुशील जल और विजय द्वारपाल का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सरोदभद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी तांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल के इंद्र आदि को पूजे, यानी सभी देवी देवताओं को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधान इसे उपवास करें। गुरु की आज्ञा से भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षटोपचार से करके और विधि पूर्वक भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य कार्य से निवृत्त होकर के उसके पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पाए जाते हैं, यानी इस तरीके से उपवास करके उनको वैकुंठ में निवास मिलता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जीव 100 वर्ष में भी नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य चक्रपाणी के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सह गांव के दान करने का फल प्राप्त होता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप लिए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्य का भोजन करावे तथा तो देवा मंत्रों के तिल खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को प्रणाम करें। वस्त्र आभूषण देके उन्हें सुशोभित करें और उनका सम्मान करें। प्रार्थना कर मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोकामना सफल होवे, ऐसा मन में संकल्प करके उन्हें नमस्कार करें। मुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, ऐसे उन ब्राह्मणों के समक्ष प्रसन्नता पूर्वक पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण और गायों की पूजा करने के बाद अपने बंधु बांधवों को भोजन करावे। कार्तिक और माघ की यही विधि कही गई है। ऐसे प्रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। कहने का मतलब है कि आपको सुबह उठ करके मंडप बनाना है तुलसी माता का, और तुलसी माता की पूजा आपको करनी प्रारंभ कर देनी है। कब से आपको पूजा प्रारंभ करनी है? 5 दिनों का विधान बताया गया है यहाँ पे। दशी से लेकर के चतुर्थी तक आप भगवान की पूजा करें कार्तिक के महीने में। उसके बाद आप भजन कीर्तन करें और यथासंभव आप ब्राह्मण को बुला करके दक्षिणा दें। अगर आपके पास कोई गुरु है तो गुरु को भी दान दें। इससे आपके जो दान देने का, आप अगर 1 रुपया देंगे तो वो 100 गुना होकर के आपको मिलता है और वैकुंठ में वास मिलता है, ऐसा 8वें अध्याय में बताया गया है। 9वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे।
दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए। हर हर महादेव।